स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस। तो हम आज आपको गणित विषय में बहुलक के बारे में बताएंगे, सांख्यिकी के अतिरिक्त बहुलक। टेक्निकल मेन नेक्स्ट पेज। तो आंसर शीट में हमें सारणी कुछ इस प्रकार से बनानी है। व्यक्तियों की आयु 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो बहुलक हमें पहले सूत्र लिखना होगा। सूत्र, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है भैया? एल बराबर एफ वन माइनस एफ जीरो बट्टा टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। कुछ इस प्रकार से बहुलक का सूत्र होता है। तो इस सारणी से हमें यह सभी मान ज्ञात करने हैं। तो एल क्या होता है? एल से पहले हमें यह देखना है ना। तो आगे देखिए दोस्तों, हमें इन सभी सारणियों के मान ज्ञात करने हैं। इनसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो रोगियों की संख्या जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। इनमें से सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 23। तो 23 के नीचे हमें अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। ये हो गया अंडरलाइन। तो इसमें इसका मान है जो याद करना है, इसलिए एल। एल क्या होता है? एल होता है निम्न सीमा। हमें इन सबका मान ज्ञात करना होगा। म्यान घात कर ज्ञात करने से पहले हमें इनके नीचे अंडरलाइन करनी है। जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। जैसे इसमें सबसे बड़ी बारंबारता है 23, तो 23 के नीचे अंडरलाइन कर लेनी है। कुछ इस प्रकार से। तो अब हमें एल का मान ज्ञात करना है। एल क्या है? निम्न सीमा। तो इसमें निम्न सीमा कौन सी है? 35। तो एल बराबर 35। फिर हमें एफ वन ज्ञात करना है। इसमें एफ वन जो मेन बारंबारता है, जैसे 23 एफ वन है, एफ वन बराबर 23। फिर एफ जीरो 23 के जस्ट ऊपर वाली संख्या होती है, वो एफ जीरो होती है। तो एफ जीरो बराबर कौन सी है? 21। तो ये 21। फिर टू एफ वन, मतलब एफ वन तो ये हो गई, एफ जीरो और एफ टू। एफ टू कौन सी है? 23 के जस्ट नीचे वाली संख्या, जैसे 14। तो एफ टू बराबर ये 14। फिर ये एच। एच क्या होता है? एच होता है मध्यमान। मध्यमान किसे निकाला जाता है? निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे दो। इसे हमें इसका मध्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो इन दोनों का मध्यमान क्या है? 5 से 15। इन दोनों का मध्यमान है 10। तो एच बराबर 10। अब हमें मान को दर्शाना है इस सूत्र को देखते हुए। एल, एल कितनी है? 35। यहां पे प्लस होगा तो 35 प्लस एफ वन कितना है? एफ वन 23 माइनस एफ जीरो, तो एफ जीरो 21 बटे टू एफ वन, तो 2 इंटू एफ वन है 23। 2 इंटू 23 माइनस एफ जीरो, तो एफ जीरो 21 माइनस 21, फिर से माइनस एफ टू, जो एफ टू 14 कोष्टक इंटू एच 10। फिर हमें 23 में से 21 माइनस करने हैं, तो 35 प्लस 23 में से 21 माइनस, तो 2 बटे 2 में से 23 को इंटू कर लेने हैं, तो 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू एच है जो 10। फिर 35 प्लस 2 बटे 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू एच, तो आगे की क्रिया ये है 35 प्लस प्लस माइनस प्लस,
तो 21 में 14 प्लस करने पे कितने आएंगे 35, 35 में से हमें 6 इसको माइनस करना है तो 11। तो ये जो 2 है जो 10 से इनटू होंगे तो 35 प्लस 10 में से 2 तो 20, 20 बटे 11 बस। इसके बाद जो 20 में से इन दोनों को भाग करना होगा, भाग में जो आती है जो 35 प्लस प्लस इन दोनों को भाग करने पे क्या आंसर आएगा 1.8। तो 35 में से 1.8 8 को जोड़ने पे जो जो आंसर होगा वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 35 में से 1.8 को जोड़ने पे कितने आंसर आएंगे तो जोड़िए, ये क्रिए आपको जो रब कार्य है उसमें जाके करने होंगे। तो रब कार्य फिलहाल हम यहां कर लेते हैं। तो 1.8 इसमें 35 कैसे जोड़े जाएंगे, तो ये पॉइंट की संख्या है जो उधर ही रहने दीजिए, ये 35 है वो इनसे इस साइड लिखनी है। तो 5 3 35 ये प्लस की क्रिया होगी इस प्रकार से, 8 का 8 पॉइंट पॉइंट 6 3 के 3 तो 36.8 ये हमारे आज के आंसर हैं। तो बराबर 36.8 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से बता रहा हूं, तो अब इस प्रकार से आंसर शीट में जो सारणी बना लेनी है, फिर उसके बाद हमें यह सूत्र लिख लेना है। सूत्र में मान आपको मैं बता चुका हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं, एल एल क्या, एल है ये निम्न सीमा, निम्न इससे पहले हमें अंडरलाइन करनी है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, इनमें से सबसे बड़ी बारंबारता है 23, इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर लिया है। तो एल एल होता है वो निम्न सीमा होती है, इसके आगे निम्न सीमा है 35, तो एल बराबर 35। फिर f1 होती है जो सबसे बड़ी बारंबारता है, सबसे बड़ी बारंबारता है 23, तो 23 f1 23, f0 है जो 23 के जस्ट ऊपर वाली बारंबारता 21, तो f0 बराबर 21। f2 है 23 के जस्ट नीचे वाली जो संख्या है, जो f2 हो गई 14। तो h जो होता है वो मध्यमान होता है, मध्यमान याद करने का भी एक छोटा सा सूत्र है, वह है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। तो निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2 बराबर h बराबर होगा इन 5 से 15 के जो मध्यमान है, जो इनका मध्यमान है 10, तो h बराबर 10। तो हमें इस सूत्र में कुछ इस प्रकार से मान दर्शाने हैं, मान ये इस प्रकार से दर्शाएंगे जाएंगे कि l प्लस, तो l है 35, 35 प्लस 23 माइनस 21 f1 माइनस f0, फिर बटे बटे 2f1, तो 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14, ये मान है, इस मान की तरह ये जो हमने मान निकाल लिए उनको इस प्रकार से दर्शाएंगे, इंटू एस, तो एस 10। फिर बराबर सबसे पहले हमें 23 में से 21 को माइनस करनी है, तो 23 में से 21 को माइनस करने पे 2, फिर 2 इंटू 23 हो गए 46, 46 माइनस 21 माइनस 14, जो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस को इंटू करने पे प्लस प्राप्त होता है, तो 21 प्लस 14 वो हो गए 46, 46 में से 21 प्लस 14 35 हो गए, 35 में से 46 को माइनस करने पे 11 प्राप्त होता है 11, और ये जो 2 है जो 10 से इंटू होंगे 20 बराबर 35 प्लस 20 बटे 11, तो 20 में 11 का भाग देने पे हमें 1.8 प्राप्त होता है। तो 35 प्लस 1.8 को हमें इस प्रकार से प्लस करने हैं, इस प्रकार से प्लस करने पे हमें 36.8 आज का हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, वो है 36.8। तो दोस्तों आज हमारे इस गोले का आंसर आया 36.8 आंसर। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। धन्यवाद।